नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे महाकवि सूरदास का परिचय अथवा जीवन परिचय। भक्ति काल के प्रमुख कृष्ण भक्त एवं सगुण उपासना वाले सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में दिल्ली के निकट सीही ग्राम में हुआ। देखिए, अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि सूरदास की खूबियां या प्रमुखता बताएं, तो आपको प्रथम लाइन में लिखी है कि यह प्रमुख कृष्ण भक्त थे एवं सगुण उपासक थे। ये जन्मांधे थे और बचपन से रिक्त होकर मथुरा के गऊ घाट पर रहने लगे। जन्मांधे का मतलब है कि यह जन्म से ही अंधे थे अथवा इनके आंख नहीं थी। वहीं पर महाप्रभु वल्लभभाई के द्वारा इन्हें प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ। ये प्रारंभ में विनय भाव में व दास्य भाव में रचना करते थे अथवा पद के रचयिता थे। अर्थात जब यह रचना करते थे अथवा कुछ लिखते थे तो एक दास्य भाव दिखाते, मतलब कि भगवान का दास बन के कुछ उनके ऊपर लिखा करते थे। परंतु वल्लभ भाईचार्य के निर्देश पर सख्य भाव में पद गाने लगे थे। पहले ये भगवान को सारद्य या सर्वोपरि मानकर या एक दास भाव में रचना करते थे, लेकिन गुरु के कहने पर ये उनको एक मित्र के रूप में मानने लगे भगवान को, और तब रचना करने लगे। सूरदास ने अपने आराध्य श्री कृष्ण पर सख्य भाव मतलब मित्र भाव के पद रचे हैं। इनकी सूरसागर, साहित्य लहरी एवं सूरसरावली प्रमुख रचनाएं हैं। यदि आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि सूरदास की प्रमुख रचनाओं को बारे में लिखिए, तो आपको लिखना है इनकी प्रमुख रचना सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसरावली थी। इनकी सभी रचनाओं में श्री कृष्ण की
विविध लीलाओं का संयोग वियोग श्रृंगार भक्ति एवं विनय का भावपूर्ण वर्णन हुआ है, अर्थात इन्होंने भगवान का संयोग बताया है, वियोग बताया है, श्रृंगार बताया है और इनकी भक्ति भी बताई है। इनका निधन 1663 ईस्वी में माना जाता है।